भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में काफ़ी सारे नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि लगभग सभी जो मेन मेन बातें हैं वह मैं आपको बता दूँ। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अगेंस्ट द सेंक्शनड पोस्ट कैटेगरी नंबर ऑफ वैकेंट नॉन टीचिंग पोस्ट अलोंग विद एडवर्टाइजमेंट नंबर्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल। वेबसाइट है bpsmv.ac। लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 22 मार्च। तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, 22 मार्च से आप आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट है 21 अप्रैल। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, द एडवर्टाइजमेंट नंबर 201 जो कि 2023 की है 2-246 स्टैंड्स विड्रॉन। तो जो पहले एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 201 से 246 वो विड्रॉ करी जा रही है। एंड एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द सेड एडवर्टाइजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म एंड मैंशन द अर्लियर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर अगेंस्ट विच दे हैड पेड द एप्लीकेशन फीस। तो आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो। दोज कैंडिडेट्स अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ फीस। और जो अब अप्लाई नहीं करना चाहते हैं और जिसने पहले अप्लाई किया था वो अब अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो अपनी रिफंड ले। तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है, 22 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। द ओनर्स ऑफ चेकिंग नो कॉरेस्पॉन्डेंस अदर देन द मोड विल बी मेड फॉर एक्सेप्टेड इन दिस रिगार्ड। तो ऑनलाइन ही आपसे आवेदन मांगे गए हैं, पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकली है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि सीईटी के बिना आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं हरियाणा में। और अगर मैं बात करूं बिना सीईटी की, तो अभी कुछ देर पहले मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी क्लर्क की, ड्राफ्ट्समैन की, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने निकाली थी, उस पर भी वीडियो बना दिया है। वो भी पक्की सरकारी नौकरी है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं, उसके भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो पहली पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल देखिए कितना अच्छा है, लेवल 14, जिसमें 1,44,200 तो बेसिक है। इसके ऊपर आपको डीए जो अभी 50% हो गया है, 50%, यानी कि 1,44,200 50% कीजिए तो 1,44,200 में उस अमाउंट को जोड़ दीजिए, प्लस 8%, 16%, 24%, 8 और 16% जो एचआरए है, जिस भी सिटी बेस्ड एचआरए होता है वो जोड़ दीजिए, प्लस अदर अलाउंसेस। तो आप देख सकते हैं तो 2 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ ज्वाइन करते ही। कितनी वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है जनरल की है, तो किसी भी कैटेगरी से हो आप तो आप अप्लाई कर पाएंगे जनरल कैटेगरी में। दूसरी पोस्ट है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की, लेवल 9। तो लेवल 9 में आपको पता है 53,100 बेसिक है जनरल की। पीजीटी ओनली वुमन लेवल 8 की 47,600, 2 वैकेंसी है जनरल की। अच्छा, ओनली वुमन क्यों लिखा, जैसा कि यूनिवर्सिटी नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर इसलिए ये ओनली वुमेन कैंडिडेट प्रेफरेंस दे रहे हैं। टीजीटी लेवल 7 44,900 बेसिक है। कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी हो गई देखिए, आप यहाँ पर बाइफरकेशन दे रखी है, 4 वैकेंसी हैं जनरल बीसीबी, ईडब्ल्यूएस जनरल, एक्स सर्विसमैन जनरल। टीजीटी कैंपस ओनली वुमेन लेवल 7, उसके बाद है जेई प्रेफरेबली वुमेन लेवल 6। तो प्रेफरेबली वुमेन लिखा है तो इसका मतलब मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन प्राथमिकता वुमेन्स को दी जाएगी। उसके बाद है जेई, फिर से इलेक्ट्रिकल, ऊपर वाला था पब्लिक हेल्थ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद है सिविल, हॉस्टल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, पीजीटी, स्कूल कैंपस, जेबीटी ओनली वुमेन लेवल 6 की सैलरी रहेगी, 3 वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनो इंग्लिश लेवल 6 सैलरी, टोटल वैकेंसीज हैं 5। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी ड्राइवर, पंचकर्मा टेक्नीशियन, पंचकर्मा असिस्टेंट। तो मैंने आपको जैसे आपको बताया कि लगभग हर किसी के लिए एक ना एक वैकेंसी निकली है यहाँ पर। अकाउंट्स क्लर्क लेवल 2 19,900 बेसिक क्लर्क, टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट डार्क रूम, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड,
सुपरिटेंडेंट, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो मैंने आपको इतनी सारी वैकेंसीज बताई, बस इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ रह गई बतानी। जैसे यहाँ पर ये लिखा है रीजनल सेंटर किशन नगर रेवाड़ी के लिए है ये वाली वैकेंसीज, तो ये भी आप एक बार नोट कर लें। और ये वाली है रीजनल सेंटर जो फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का है खरड़ जींद में, ये वाली वैकेंसी 26 से लेकर 31 तक यहाँ के लिए है। फीस की बात कर लेते हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2000 रुपये रहेगी। फीमेल कैंडिडेट अगर आप हरियाणा की हैं तो 1000 रुपये, अदर स्टेट के हैं तो 2000 रुपये। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हरियाणा के हैं, चाहे आप EWS के हों कैटेगरी से हों तो आपकी फीस लगेगी 500। और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के हैं कैटेगरी से हैं हरियाणा के, तो कोई फीस नहीं देनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट bpsmv.ac.in, ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें, किसी अन्य वेबसाइट पर आप न जाएं। द स्कोर्स बेस्ड ऑन डाटा फील्ड इन बाय द कैंडिडेट शैल बी डिस्प्लेड इन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा यह नोटिफिकेशन है 53 पेज का, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको सारी मेन मेन बातें बता दूं। ये यहाँ पर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ब्लॉक ए और बी, बीसीए बीसीबी के लिए, एनओसी अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है कम से कम 55% मार्क्स के साथ या उसके समकक्ष, 15 साल का अनुभव, एज लिमिट 18 से 50, एज रिलैक्सेशन भी रहती है। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री 60% मार्क्स होने चाहिए, किसमें, मैकेनिकल और प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, 5 साल के अनुभव के साथ, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, मैट्रिक में आपने क्या पढ़ा हो या तो हिंदी या संस्कृत। कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो साथ साथ यहाँ पर क्राइटेरिया भी बता दिया सिलेक्शन का एग्जाम का। PGT हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर यानी कि एस्टेट लेवल 3 का स्कूल और एस्टेट एकेडमिक रिकॉर्ड हो, हैविंग 50% मार्क्स एवरेज पिछले 3 एग्जाम का जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है। हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट PGT कंप्यूटर साइंस। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट फेज 1, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशनड इन एनेक्स 3 में, आगे हम देख लेंगे। उसके बाद TGT बैचलर डिग्री मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ, BEd लेवल 2 क्वालिफाइड हो, सुपरिटेंडेंट बैचलर डिग्री, 8 साल का अनुभव क्लरिकल कैडर में आउट ऑफ विच 5 ईयर्स एज असिस्टेंट। तो देखिए अगर मैं क्लरिकल कैडर की बात करूं, जैसे इन्होंने यहां पर लिखा 8 साल का अनुभव क्लरिकल कैडर में, जिसमें से 5 साल का आपका असिस्टेंट का होना चाहिए। देखिए जैसे क्या होता है कि क्लर्क के बाद आप हरियाणा सरकार में प्रमोट हो गए असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट के बाद आप बनते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद हेड क्लर्क के बाद आप क्या बनते हैं सुपरिटेंडेंट। तो ये वहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 साल का अनुभव होना चाहिए आपके क्लरिकल कैडर में, चाहे क्लर्क पे हो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो चाहे असिस्टेंट के पद पे हो, लेकिन कम से कम असिस्टेंट के पद पे 5 साल का हो। टोटल आपका अगर मान लीजिए 10 साल का है तो 10 में से असिस्टेंट के पद का आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट मास्टर लाइब्रेरी साइंस विथ 55% मार्क्स, PGDCA हो, 5 साल का अनुभव यहाँ पर भी मांग लिया है, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस एज लाइब्रेरी अटेंडेंट या 5 साल का एक्सपीरियंस एज जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 4 में। अगर लेवल 2 में काम किया है सैलरी पे स्केल पे तो 10 साल का, 4 पे किया है तो 5 साल का। फेज 1 और 2 आपको क्वालिफाई करना होगा, JEE 3 साल का डिप्लोमा रेलिवेंट स्ट्रीम में, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर BTech, मेट्रिकुलेशन वही हिंदी संस्कृत के साथ हो, 3 साल का एक्सपीरियंस, फेज 1 और 2 यहाँ पास करना होगा। होस्टल सुपरवाइजर 12वीं पास मांगा गया है, 5 साल का अनुभव, फेज 1 और 2 को क्वालिफाई करना होगा। स्टाफ नर्स 10वीं पास, साथ में सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर हायर क्वालिफिकेशन BSc MSc नर्सिंग, शुड बी रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स, और फेज 1 और 2 पास करना होगा। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा किसमें, मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल में, फेज करना होगा। PGT आर्ट एंड क्राफ्ट
ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स के साथ, एचटेट पहला लेवल और फेस वन पीजीटी इंग्लिश 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, वही सेम जो भी मैंने ऊपर बताया था, एचटेट लेवल वन फेस वन पास करना होगा सब्जेक्टिव टेस्ट का जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कंडक्ट करवाएगा। जेबीटी द कैंडिडेट शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी विद अ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एचटेट लेवल वन क्वालिफाइड, 50% मार्क्स रिक्वायर्ड कोर्स में। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट फेस वन। टेक्निकल असिस्टेंट फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा इन सीएससी आईटी या फिर बीटेक 50% या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स के साथ। मैट्रिकुलेशन आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर मैं हर एक क्वालिफिकेशन को डिटेल में पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर के आप देख सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उसको पॉज करके आप देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा हर एक पोस्ट की आराम से आपको एक बार क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दूं। 12वीं पास मांगा गया है, जूनियर स्केल स्टेनो, और यहां पर आपको पता है जो एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है वो यहां पर भी होगा। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी ड्राइवर ऐसे ही है, पंचकर्मा टेक्नीशियन पोज कर लीजिए आप जिस भी पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं। पंचकर्म असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क 12वीं पास मांगा गया है, क्लर्क 12वीं पास, लैब अटेंडेंट ग्रेजुएट या फिर 12वीं पास विद आईटीआई, अटेंड डार्क रूम 12वीं साइंस के साथ, लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं पास, सिक्योरिटी गार्ड 10वीं पास, पंप ऑपरेटर सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ मोटर ट्रैक्टर किसी में भी चलेगा किसी भी ट्रेड में। उसके बाद है क्राइटेरिया वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, वेटेज क्या रहेगी, कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा कंट्रोलर ऑफ एग्जाम के लिए। एकेडमिक रिकॉर्ड मैक्सिमम मार्क्स 40, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट 10th और इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th सब्ट्रैक्टेड बाय 40 इंटू 0.084, ऐसे इन्होंने फॉर्मूला दे रखा कैसे आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस के लिए कितने दिए जाएंगे 10, डोमेन नॉलेज के लिए 30, परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के लिए 20, ड्यूरिंग इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर दिए गए। परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू शैल बी जज ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जांची जाएंगी इंटरव्यू में। अच्छा यहाँ पर उन्होंने कहा था बार बार कि फेज 1, 2, 3 किस किस पोस्ट के लिए कौन से फेज का एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट को कहा गया है फेज 1 जिसमें 50 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2 30 मार्क्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एकेडमिक के भी क्वालिफाई मार्क्स दिए जा रहे हैं 20 तो टोटल हो गए 100। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल एग्रीगेट मार्क्स मेरिट ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ 100 विल बी कैलकुलेटेड एज पर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 फेसेस। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ 100 विल बी कैलकुलेटेड एज पर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 फेसेस। मार्क्स ऑब्टेंड इन सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट 1+ ऑब्टेंड, तो देखिए चारों फेस के मार्क्स जोड़कर आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ फेस 4 सिलेक्शन, फेस 1 की क्या डिटेल यहाँ पर दी गई है, इट विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन, द कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई द सेम एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1.3 टू अपियर इन फेस 2। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया भी आप एक देख सकते हैं, अगर किसी के मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो किसे कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर डिटेल है फेस 1 की, 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स है 25 यानी कि 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, 50 मिनट मिलेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज, कंप्यूटर का सार है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। विल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन, यानी कि 0.125 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल कितने हो गए 50 मार्क्स, 50 मिनट मिलेंगे, 25 मार्क्स लाने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग है इस बात का आप ध्यान रखें। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। तो देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो अब 5 ऑप्शन कर दिए, यहाँ इन्होंने अभी वो वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया कि 5 ऑप्शन हो गए अगर आप लेफ्ट कर देते हैं या 10% क्वेश्चन पूरे पेपर के छोड़ देते हैं तो डिस्क्वालीफाई करते हैं, ऐसा इन्होंने अभी नहीं किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो किया था अभी जो मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर। फेज 2 में क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी 20-20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और 30 मार्क्स का होगा। तो देखिए 60 क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, 30 मार्क्स हो गए और
50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, यानी कि 15 नंबर लाने अनिवार्य है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 मार्क्स की। फेज थ्री में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, द कैंडिडेट आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू अपियर फिजिकली इन फेज थ्री, तो आपको खुद अपियर होना होगा फेज थ्री के लिए फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्मी नेवी एयरफोर्स टू द एक्स सर्विसमैन डज नॉट कंटेन एनी परसेंटेज फॉर सच एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट कैंडिडेट्स क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग मार्क्स एट द ग्रेजुएशन लेवल विल बी 35%। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन क्या रहेगा ये आप देख लें, मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 20% ऑफ मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल इंटू 0.2 ऐसे निकाले जाएंगे आपके लिए, तो ये टोटल हो गए आपके 100। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था, लगभग सेम है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया आप देख लेना, ये एक बार आप देख लेना, तो लगभग सेम ही है सारा, बस मैक्सिमम मार्क्स और इसमें थोड़ा सा अंतर रखा गया है। क्राइटेरिया वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कंप्यूटर असिस्टेंट एंड क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आप एक बार देख लेना। काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो। यहाँ पर टाइप टेस्ट है, कंप्यूटर एप्रिसिएशन टेस्ट है, 100 मार्क्स का टोटल, सिलेक्शन प्रोसीजर चारों ही फेज को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। फेज वन में 10 मिनट्स मिलेंगे आपको, टाइप टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ओनली 30। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ पैसेज कंसिस्टिंग ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ 600 वर्ड्स इन इंग्लिश, द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, तो 30 वर्ड पर मिनट वही स्टैंडर्ड, कोई ज़्यादा या कम नहीं है, स्टैंडर्ड है, हर जगह इतनी स्पीड मांगी जाती है, चाहे हरियाणा सरकार, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हर जगह यही स्पीड मांगी जा रही है 30 वर्ड पर मिनट की। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और कैसे आपकी स्पीड निकाली जाएगी, वर्ड्स पर मिनट माइनस 30, मार्क्स इन टाइप टेस्ट फेस वन आउट ऑफ 30 इक्वल टू वर्ड पर मिनट माइनस 30 इक्वल टू आपकी स्पीड निकाली जाएगी डिवाइडेड बाय 10। फेज टू में कंप्यूटर एप्रिसिएशन एप्लीकेशन टेस्ट 20 मार्क्स का, 10 नंबर चाहिए, 50% मार्क्स, सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं। फेज थ्री में एप्टीट्यूड टेस्ट सेम है जैसा ऊपर मैंने आपको बताया था। फेज फोर में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के खुद फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। जेबीटी पीआरटी के लिए फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, सब फेज तीन फेज होंगे 100 मार्क्स के। फेज वन में देख सकते हैं 80 मार्क्स का, 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। फेज टू में एक्सपीरियंस, फेज थ्री में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, उसके बाद है जूनियर स्केल स्टेनो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 100 मार्क्स का होगा। फेज वन स्टेनो टेस्ट मार्क्स 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। सेकेंड स्टेज मार्किंग स्कीम, कंप्यूटर एप्रिसिएशन टेस्ट, तो एक बार आप इसे पोज करके पढ़ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ। यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा ड्राइविंग का 100 मार्क्स का, टोटल 50-50। फेज वन का आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फेज टू में आपकी स्किल टेस्ट की जाएगी ड्राइविंग की। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं, दोनों को मिलाकर आपको फाइनल की जाएगी। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और पंप ऑपरेटर, तीन फेसेस हैं 100 मार्क्स, तो आप एक बार यहाँ पोज कर सकते हैं या खुद भी आप इस वेबसाइट पर जाएंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की, तो वहाँ से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद लैब अटेंडेंट एंड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तीन दो फेज है, रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट 100 मार्क्स का, 70+30। फेज वन में आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फेज टू में कंप्यूटर टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, यहाँ सिलेबस दिया गया है सारा। तो मैंने आपको लगभग सारा जो है नोटिफिकेशन दिखा दिया है, सभी पोस्ट के लिए दिखा दिया, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारे पदों पर वैकेंसी निकली है, लगभग सभी, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल का हो, चाहे 12वीं पास की हो, आपने ग्रेजुएशन की हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस के लिए, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी सीईटी के पक्की सरकारी नौकरी, हरियाणा सरकार के पे स्केल हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें 22 मार्च से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें।